नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय और फिर से आ गया हूँ आजादपुर मंडी लोसुम के एरिया में। और आज तारीख है 3 अगस्त 2024, शनिवार का दिन है और आज डबल मंडी है और भैया जी भी है, दोनों भैया है यहाँ पे, मुंशी जी भी है और बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे और यहाँ पे इनका लहसुन दिखाई दे रहे। देखो ये तो 2-3 दिन हो गए है माल आया हुआ है और ये शायद अभी ये भी 14 नंबर ही है, ये भी पुराना माल ही दिखाई दे रहे। देखो कली और यहाँ पे माल पड़ा हुआ है, देख पा रहे होंगे अलग अलग वरायटी है, शंकर वरायटी है, देख पा रहे होंगे हरियाणा का माल है। तो भैया के पास ज़्यादातर आज हरियाणा दिखाई दे रहे और यूपी भी होगा भैया के पास। और मैं एक बार माल की वरायटी दिखा देता हूँ आप लोगों को सारा। तो देखो भाई ये जो माल की वरायटी देखो, ये देखो, ओ हो शानदार माल दिखाई दे रहा है। देखो तो ये सारा वरायटी मैं दिखा देता हूँ। देखो ये माल है भैया के पास, जो जो भी है यहाँ पे श्रीनगर का भैया के पास लौट आया हुआ है। ये काफ़ी कम से कम 15 दिन हो गए हैं, ये 15 दिन से यहाँ पे है अभी। और यहाँ पे देखो माल देखो, बहुत ही सोना। और ये देखो ये छोटा साइज का। तो यहाँ पे बाबूजी आ गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सर आप? बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बाबूजी आपका नाम तो बताइए दो एक बार। किशन लाल नाम। किशन लाल जी, तो आपका कितना साल हो गया यहाँ पे? यहाँ सर 20 साल से मंडी में काम कर रहा हूँ। ओके, मंडी में 20 साल। तो थैंक यू बाबूजी। थोड़ा सा मैं माल का इंट्रोडक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो माल, देखो यहाँ पे देखो ये छोटे साइज में दिखाई दे रहा है। तो देखो ये माल भी है, ये बहुत ही बढ़िया माल दिखाई दे रहा है, साफ सुथरा है। यहाँ पे भी देखो माल देखो, और यहाँ पे देखो लास्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इधर आपको पता चल गया है भैया के पास जो भी वैरायटी है। और आज ग्राहक ही देखो हल्का फुल्का दिखाई दे रहे हैं और ये लोग अहम रोल निभाते हैं सेल आउट करने में, ये जितने भी यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे। तो चलिए भैया से पूछताछ करते हैं आज का क्या भाव चल रहा है, क्या बाजार है। और यहाँ पे आपको पता चल गया है सारा चीज़ों का, जो भैया के पास कौन सा वैरायटी है। और भैया पीछे बैठे हुए, नमस्कार जी। नमस्कार। तो भैया जी है, नमस्ते भैया। मैं ठीक हूँ भैया। तो क्या तबीयत खराब था क्या कल? हाँ तबीयत थोड़ा सुस्त था, इस वजह से दुकान पे आ नहीं पाया हूँ। ओके, आज भी लग रहा है आंखें फूले सूजे हुए लग रहा है। वो तो होता रहता है ना, क्या करेगा। ओके ओके, आज आवाज भी आपका कमजोर हो गया, कोई बात नहीं। तो ये बताइए आज गाड़ी कितना है? गाड़ी आमदनी 12 गाड़ी को बता रहा है, जिसमें आपका 5 गाड़ी एमपी है, 2 गाड़ी पंजाब है, 2 गाड़ी छिपा अमरूद है और 1 गाड़ी की है। सब मिला के 12-13 गाड़ी आमदनी है दिल्ली, जिसमें आपको मैं बता दूं बिक्री तो थोड़ा बहुत अभी हो ही रहा है। देखो डबल मंडी है। डबल मंडी है जी। तो आज का क्या उछाल है या नहीं? उछाल तो 100% है भैया। देखो उछाल दिल्ली वाले मंडी बोल आए तभी माल आया है। माल आया हुआ है, जब तक बोलेगा नहीं मंडी तब तक माल तो आएगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए, मेन बात ये है। ओके ओके, मतलब इसलिए इतना गाड़ी 12-13 गाड़ी आया हुआ है ना। मान लीजिए यहाँ पे जैसे बिक्री खुलेगा 12-13 गाड़ी का आपको समझ लीजिए 20-20 गाड़ी आएगा। ओके ओके, 20-20 गाड़ी भी आएगा। माल के ऊपर डिपेंड करता है, जो भाव माल बिकेगा माल के लिए। यहाँ पे माल तो आपको बता ही रहा हूँ, जो माल आपका 150 रुपए बिक रहा था वो बिकने लगा 160 और 170 के बीच में। ओके ओके ओके। तो कल एक मैसेज, 2 मैसेज आया हुआ है कमेंट मतलब, तो उसमें आया हुआ था नीमच मंडी में 230 रुपए का गया हुआ है माल। आपको 230 बता रहे हैं, बाहर मंडिया में जैसे नीमच हो गया, तकिया हो गया, जाबरा हो गया, मंसूर हो गया, ये सब में समझ लीजिए 22,000 क्या आपका 23,000 से लेकर 25-26,000 तक दिख रहा है। एक ने तो मुझे कमेंट किया 290 तक भी गया हुआ है जी। गया होगा ना माल के, और यावन माल होगा और दूध का जो चम्मच मिल रहा होगा बिल्कुल कटा होगा। ओके ओके, वो दूध का जैसा जी। मगर दिल्ली में वो भाव नहीं है। ये तो दिल्ली में क्या, दिल्ली में वो दर्शन भी देने नहीं आएगा। ओके, दर्शन भी देने नहीं आएगा ना, क्यों यहाँ पे पहला नंबर रेट ही नहीं दे रहा ना। ओके, रेट ही नहीं दे रहा। ओके ओके, तो मतलब इससे तो किसान भाई तो बाहर लेके चले जाएंगे माल को। माल तो बाहर ही ऊपर, यहाँ का दिल्ली मंडी के ऊपर डिपेंड थोड़ी कर रहा है बाहर के व्यापारी। ओके ओके ओके, दिल्ली मंडी व्यापारी मान के चलिए दिल्ली मंडी से व्यापार नहीं कर रहा है। ओके, वो तो उसका साउथ चल रहा है, आपका मुंबई चल रहा है, पुणे चल रहा है, मद्रास चल रहा है, ये सब चल रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है ना। तो मतलब बाहर मतलब ज्यादा अच्छा रेट है दिल्ली से। हाँ जी हाँ जी, तो इसलिए मतलब मैं तो लग रहा है जो बढ़िया माल बाहर ही जा रहा है शायद। हाँ जी हाँ जी, दिल्ली मंडी में मान के चलिए बढ़िया माल आना कब बंद हो गया आपको मैं बता दूँ। 2004 से बढ़िया माल आना ही बंद कर दिया। मैंने देखा 2004-05 से दिल्ली मंडी एकदम बिल्कुल कचरा मंडी हो गई। कचरा मंडी हो गया यहाँ पे। पहला नंबर तो आपको मैं बताऊं,
20 साल हो गया, बढ़िया माल आना ही बंद हो गया। बढ़िया माल माल आ रहा है, हल्के फुल के आ रहा है, हल्के फुल से मैं व्यापारी लोग को मान लीजिए पड़ता नहीं। ओके ओके ओके। मान लीजिए मैं बोला हूँ 160 रुपए तो व्यापारी मांग रहा है 150 रुपए, और मेरा व्यापारी भाई लोग कर रहा है 170 रुपए, 500 रुपए। ओके ओके। तो इसीलिए मतलब बाहर, मतलब आजकल मुझे जो बाहर से कमेंट आते हैं मैं देखता हूँ, तो मुझे पता चल रहा है जो कहीं ना कहीं तो रेट चल रहा है ना कुछ ऊपर है। तो आने वाले टाइम में क्या मुझे लग रहा है अगर ऐसे स्थिति बना हुआ रहे तो किसान भी छोड़ देंगे ये मंडी। मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे रेट देगा तो किसान क्या व्यापारी लोग आएगा माल लेके डालेगा, पड़ता नहीं लगेगा तो व्यापारी भाई दिल्ली मंडी बंद कर देगा, माल डालना ही बंद कर देगा। तो गाइस देखो दिल्ली में बहुत सारी मंडी, आपको मैं बताऊं आपका उठ रहा है, दिल्ली मंडी सपोर्ट नहीं कर रहा है, दिल्ली मंडी सपोर्ट नहीं कर रहा है। मान लीजिए आप तो हल्की सी सपोर्ट दिया, आपको सामने 12-13 गाड़ी डल गई है। बिल्कुल। और सपोर्ट करेगा तो 25 गाड़ी भी आ सकता है, 25 गाड़ी भी आ सकता है। तो गाइस आने वाले टाइम में देखेंगे क्या बाजार बनता है, और आज का वीडियो यहाँ पे शॉर्ट में ही खत्म करना चाहेंगे। तो किसान भाई आपका व्यापारी भाई को क्या कहना चाहेंगे? व्यापारी भाई को कह रहा कि देखो पड़ता लगेगा तो माल डालना, नहीं तो आपकी मर्जी है। अब बाहर मंडी चली रहे हो, करी रहे हो काम, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिल्ली मंडी में तो ये है कि आपको पड़ता लगेगा व्यापारी को, तो ही माल डालेगा। ओके ओके। और चाहे किसान भाई को भी मैं निवेदन करता हूँ, अगर समय अगर ठीक ठाक रहेगा, अगर यहाँ रेट देगा तो माल लेकर आओगे, नहीं तो नहीं लेकर आओ। ओके ओके, बिल्कुल सही बात है, जो है एकदम खुल्लम खुल्ला है जी। तो इनमें कट्टों में तो 30 किलो आता है ना भैया? अभी तो ये क्या हरियाणा पैकिंग है इसलिए आपका 30 किलो है। हमारा जो MP आता है तो वो भी 30 किलो आता है, कभी 50 किलो भी आता है। ओके ओके ओके। और 40 किलो भी आता है। ओके। पैकिंग तो हम समझ लीजिए धीरे धीरे क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलाका हो गया। ओके ओके। इस मंडी में पहले 50 किलो भर्ती आता था, अब 40 किलो हुआ है, अब 30 किलो आ रहा है। 30 किलो आ रहा है, पहले 10 किलो भी आ रहा है। 10 किलो भी आ रहा है, तो अपने पैकिंग के ऊपर है। ओके ओके, मतलब पैकिंग कुछ भी हो सकता है स्टैंडर्ड के हिसाब से, जैसे सभी को लेने में मजा आए ना। तो मतलब मान के चलिए अगर समय आएगा तो आने वाले टाइम में आपको मान लीजिए 2024 या 25 में 26 में मान के चलिए स्टैंडर्ड इलाका हो जाएगा, तो समझ लीजिए एक एक किलो बिकेगा, एक एक किलो बिकेगा। तो पैकिंग आता है ना एक एक किलो, वैसे बन के आएगा। अभी आपको मान लीजिए नीमच में बिक रहा है, मंदसौर में बिक रहा है, पिपलिया में बिक रहा है, मैं देख रहा हूँ डब्बे में माल आता है, एक एक छटा हुआ माल, एक एक छटा हुआ माल जी। तो गाइस देखो मैं भी कभी सोच रहा हूँ पिपलिया मंडी नीमच मंडी में विजिट करूँ, तो धीरे धीरे आपका सपोर्ट होगा तो जरूर जाऊंगा, देखूंगा वहाँ पे क्या रेट चल रहा है। ये अभी ठंड का मौसम आने वाला है, उसमें कोशिश करूंगा जाके देखूँ वहाँ पे। नहीं तो ठंड के मौसम में जाइएगा तो आपको अच्छा और कमेंट करेगा। ओके, रेट वहाँ का रेट देखना जरूरी है। वहाँ तो आप मान लीजिए यहाँ तो एक एक कट्टे बिक रहा है, परचून में बिक रहा है माल, वहाँ पे तो काफी, वहाँ तो मान लीजिए 20 बोरे का ढेर है, 50 बोरे का ढेर है, एक ही बार बिकता है, एक ही बार बिकता है, एक ही बोली में ठा हो जाता है, एक ही बोली में खत्म हो जाता है। तो गाइस देखो बढ़िया मंडी शायद उधर ही है, किसानों को जानकारी देने की कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में। तो चलिए भैया आगे बढ़ते, नंबर दे दो। नंबर तो मेरा भैया अपना हो गया, पहला नंबर है प्रिया ट्रेडिंग 2-93 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली, और मेरा नाम है लाल बाबू यादव, मेरा मोबाइल नंबर है 99-99-21-83। तो दिए हुए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं। और हल्का सा ग्राहकी है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ग्राहकी है। तो देखो आज एक दो तो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, देखो तो है आज। तो चलते आज का वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ, थैंक यू भैया। ओके सर।